दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार राज्य में स्थित भागलपुर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, भागलपुर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के बिहार राज्य में स्थित बिहार के कुल 38 जिलों में से एक भागलपुर जिला के नाम से जाना जाता है। भागलपुर जिला भारत देश के पूर्व भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा झारखंड राज्य से मिलती है। भागलपुर जिला का हेडक्वार्टर ऑफिस भागलपुर शहर में मौजूद है, और भागलपुर जिला होने के साथ साथ भागलपुर मंडल का हेडक्वार्टर भी है, और भागलपुर जिला भागलपुर मंडल के ही अंतर्गत आता है। भागलपुर डिवीजन के अंतर्गत यानी कि मंडल के अंतर्गत दो जिले आते हैं, पहला भागलपुर जिला और दूसरा बांका जिला। भागलपुर जिला के पड़ोसी जिले का नाम कटिहार जिला, पूर्णिया जिला, मधेपुरा जिला, बांका जिला, मुंगेर जिला और खगड़िया जिला। भागलपुर जिला में 16 ब्लॉक, 41 पुलिस स्टेशन, 4 बैंक, 4 कॉलेज, 8 बिजली घर, 17 सरकारी अस्पताल, 4 नगर पालिका, 1 मुख्य डाकघर और 1515 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो भागलपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 2570 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भागलपुर जिला की कुल आबादी 30,37,765 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 16,15,663 और महिला की कुल आबादी 14,22,103 है। भागलपुर जिले का औसत लिंगानुपात 910 के करीब है, यानी कि भागलपुर जिला में 1,000 पुरुष पर 910 महिला हैं। भागलपुर जिले का वाहन पंजीकरण संख्या BR10 है। भागलपुर जिला के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी, बदुआ नदी और चंदन नदी है। चंदन नदी के किनारे पर बसा यह जिला बिहार की राजधानी पटना से महज 251 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1324 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग बिहार के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 80 और नेशनल हाईवे संख्या 103 गुजरती है, जो आगे चलकर बिहार के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो भागलपुर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम भागलपुर जंक्शन है। इस जंक्शन में 6 प्लेटफॉर्म व 7 पटरी शामिल है। भागलपुर जंक्शन पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाई है। 2019 में भागलपुर जंक्शन पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाई हो गया था। भागलपुर जंक्शन का स्टेशन कोड BGP है, और भागलपुर जंक्शन ईस्टर्न रेलवे जोन के मालदा डिवीजन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज व मेडिकल कॉलेज शामिल है, जिससे यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त होती रहती है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मरवाड़ी कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज,
BN कॉलेज भागलपुर, TNB कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सभी शामिल है। अस्पताल की बात करें तो इस जिला में अस्पताल सरकारी तो है ही, इसके अलावा कई ऐसे प्राइवेट भी अस्पताल शामिल है जो कि लोगों को स्वस्थ रहने में अपना योगदान देते रहते हैं। इन अस्पतालों में सोल हर्ट हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, भागलपुर नर्सिंग होम, रामेश्वर शिशु लाल हॉस्पिटल, एकता क्लिनिक और कार्तिक नर्सिंग होम आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। बात करें घूमने स्थान यानी कि पर्यटक स्थल की तो भागलपुर जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ के पर्यटन स्थल में शुमार मंदार हिल, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर है, यहाँ पर 800 मीटर ऊंची ग्रेनाइट की हिल है। इसके अलावा राइंस ऑफ विक्रमशिला, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर से, श्री चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर, तिलका मांझी, महर्षि माही आश्रम, विक्रमशिला सेतु, जयप्रकाश उद्यान, भागलपुर म्यूजियम, दास पार्क आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। दोस्तों, भागलपुर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।